हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनप्पुरम फाइनेंस शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिख रहा है, तो कौन से लेवल पे स्टॉक में तेजी आ सकता है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है मनप्पुरम फाइनेंस से रिलेटेड, तो इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सभी लेवल्स और लॉजिक क्लियर होंगे। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस का जो म्यूचुअल फंड आशीर्वाद म्यूचुअल फंड, वो आपको आईपीओ की तैयारी कर रहा है। 1500 करोड़ का आईपीओ जो है लाने जा रहा है। और यहाँ पे जो आपको जेएम फाइनेंशियल, नोमुरा और कॉटेक थ्रू जो है ये लोग अपने आईपीओ को फाइल करेंगे, तो ये आपको काफ़ी अच्छा इस ग्रुप के लिए एक गुड न्यूज़ है। 1500 करोड़ का जो है यहाँ पे आपको आईपीओ लाया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर। मनप्पुरम फाइनेंस का वीकली चार्ट हम लोगों के सामने ओपन है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्रीवियस मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब इस मंथ के कैंडल क्लोजिंग में 3 ट्रेडिंग सेशन और रिमेनिंग है, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे नीचे के लेवल से स्टॉक में जो है एक ट्रेंड लाइन का आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और ऊपर के लेवल से भी स्टॉक जो है आपको यहाँ पे एक चैनल पैटर्न में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ इस तरह के चैनल पैटर्न में हम लोगों को स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो इमीडिएट रेसिस्टेंस था 125 रुपीज़ के लेवल का, उसको इस स्टॉक ने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग वीकली चार्ट पे स्विच करेंगे तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। अगर इस वीक में स्टॉक जो है ऊपर की साइड में आपको 137, 138 के लेवल के ऊपर निकल जाता है या फिर 140 के लेवल के ऊपर निकल जाता है, तो फिर इस स्टॉक में जो है आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक का चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। स्टॉक अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लास्ट टाइम इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, वापस से स्टॉक इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। 140 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको फ्रेश पोजिशन लेना है तो फिर आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए 140 के लेवल के ब्रेकआउट होने का। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो नो डाउट आप जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं। नीचे की साइड में प्रीवियस स्विंग नो के नीचे जो है अपने एसएल को प्लेस करके, यहाँ पे 100 के नीचे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके अभी आप होल्ड कर सकते हैं। एक बार अगर ये चैनल पैटर्न ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो जाता है, फिर आप अपने एसएल को जो है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ड्रिल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।